कजाफी स्टेडियम से मॉडल टाउन मोड़ तक कलमा चौक फ्लाईओवर नंबर 1 का पाइल वर्क मुकम्मल हो चुका है। एक महीना 21 दिन के मुख्तसर वक्त में महकमा मवासलात तामीरात की जानिब से एक मरला मुकम्मल करना यकीनन काबिल सताइश रफ्तार है। अब ट्रैफिक को मॉडल टाउन मोड़ से कलमा चौक की जानिब सर्विस रोड पर मोड़ कर फ्लाईओवर के दूसरे हिस्से की पाइलिंग शुरू की जा चुकी है, जिसके लिए 24 घंटे काम जारी है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कलमा चौक फ्लाईओवर साबिर खान सदोजई का कहना है की फ्लाईओवर नंबर 1 का 90% काम मुकम्मल है, जबकि मनसूबे की बर वक्त तकमील के लिए टेक्निकल स्टडी के बाद थोड़ा रद्दोबदल किया गया है ताकि 14 अगस्त तक काम मुकम्मल किया जा सके। पहले एक फ्लाईओवर बनाएंगे, फिर उसके ऊपर से ट्रैफिक चलाएंगे, और उसके लिए हमने इसकी थॉरल स्टडी की। स्टडी करने के बाद जब टेक्निकली इसको हमने एनालिसिस किया तो हमने ये देखा कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, अगर एक को बना के हम दूसरे को उसी कंप्लीशन के बाद करते हैं तो 14 अगस्त तक टारगेट जो है हमारा मुश्किल होगा। जो हमारा फ्लाईओवर नंबर 1 है उसमें तकरीबन हमारा 90% जो है उसके गर्डर्स हमने कास्ट कर लिए हैं और बाकी उसका सिस्टम भी कर रहे हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना है कि शहरियों की सहूलत के पेशी नजर कारपेटेड मुतबादिल रास्ते फराहम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कलमा चौक से नहर की जाने वाले हिस्से की खुदाई भी अगले माह से शुरू कर दी जाएगी। मॉडल टाउन से लेकर कलमा चौक तक के जो स्टेप है उसकी पाइल वर्क हम शुरू कर रहे हैं, उस पर काम आपने देखा होगा कि वहाँ पर काम शुरू हो चुका है। अब उस स्टेप का जो डायवर्शन है वो आपने देखा कि काफ़ी चौड़ा, बल्कि ऑलमोस्ट 4 लेन के बराबर है। वहाँ से ट्रैफिक बड़ी कंफर्टेबल गुजर रही है। और जब जो दूसरा हमारा हिस्सा है कलमा चौक से डाइवर अड्डे की तरफ जो हमारा है उसके लिए हम तैयारी शुरू कर दी। शहरियों ने काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि फ्लाईओवर की तामीर से कलमा चौक पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो जाएगी। मैं तकरीबन डेली यहाँ से गुजरता हूँ अपने ऑफिस के लिए, तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्पीड से यहाँ पे काम हो रहा है। सुनने में तो ये है कि 14 अगस्त तक ये अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, और लग भी ऐसे रहा है जिस स्पीड से ये काम कर रहे हैं 14 अगस्त से ये पुल के ऊपर से गाड़ी गुजरेगी, उम्मीद तो काफ़ी है। हाँ जी, इंशाल्लाह जिस तरह काम हो रहा है तरतीब के साथ बहुत सफाई के साथ, ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है गला घर में 14 अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगा और बहुत प्यारा बनेगा। जो इसका स्ट्रक्चर हमने देखा है, इनके जो नक्शे बने हुए हैं इनके ऑफिस में, बहुत खूबसूरत चीज़ बनेगी, बहुत अच्छा काम हो रहा है। कलमा चौक फ्लाईओवर मंसूबे के बायस लेस्को बिजली के खंभों को भी बाकायदा मंसूबा बंदी के साथ नए सिरे से नसब कर रही है, जिससे रास्ते खुले रहेंगे और आमदोरफ्त में भी आसानी होगी। कलमा चौक फ्लाईओवर नंबर 2 की तामीराती काम के लिए खुदाई का आगाज कर दिया गया है। शहरियों का मानना है कि अगर यही रफ्तार रही तो 14 अगस्त को कलमा चौक फ्लाईओवर मुकम्मल करके शहरियों की आमदोरफ्त के लिए खोला जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ दुरे नायाब, सिटी 42, कलमा चौक।